हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिमालय ऑडियो हब। चलिए, आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे वो हमारा पहला ही चैप्टर है, हड़प्पन सिविलाइजेशन। उससे पहले थोड़ी सी जो चर्चा है ना, वो पेपर के पैटर्न पे कर लेते हैं, ठीक है? तो लगभग वो 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जिसमें से आपको 40 करने हैं। 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, सही करोगे तो 5 अंक है, गलत कर दिया तो -1 हो जाएगा। -1, ठीक है ना? अच्छा, ये समस्या बोर्ड में नहीं होती। बोर्ड में कोई भी राम कहानी लिख दी, नहीं आता तो भी लिख दिया, किया होगा, एमसीक्यू तो छोड़ते ही नहीं, है ना? जितने भी एमसीक्यू आ गए वो तो तुम्हें लगता है कि फ्री के नंबर ही हैं, नहीं तो पास वाला तो है ही, यूं करके कि फिर वो बताता है कि इसका दूसरा, यूं करके, है ना, ताकि मास्टर को पता ना लग जाए। ये काम तुम वहां करते हो, लेकिन यहाँ क्या है कि ये जो -1 है ना, ये थोड़ी सी समस्या करता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो हमें क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है। अच्छी बात है कि सारे एमसीक्यू आएंगे, ठीक है। हाँ, 5 क्वेश्चन इसमें सोर्स बेस्ड भी होते हैं। अब सोर्स बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, सीबीएसई वाले इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है, कि एक पैराग्राफ आता है, नीचे आपको क्वेश्चन दे रखे होते हैं, ठीक है। पैराग्राफ पढ़ा, उससे मैच किया, आंसर दे दिया। ये तो बोर्ड के पेपर में होता है। सीयूईटी के पेपर में थोड़ा सा अलग सिस्टम चलता है। आपको जो पैराग्राफ दिया होगा ना, आप उसको पढ़ोगे, नीचे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाओगे, तो लगभग लगभग 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं इसके अंदर जिसका आंसर पैराग्राफ में नहीं होता, वो उस पैराग्राफ के आसपास से उठाए गए क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना? तो आपको इसका मतलब ये है कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चन बड़े ध्यान से करने, नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये इस तरीके से हमारा पेपर पैटर्न आता है। अच्छा, एक चीज, आप सबने मैप वर्क किया होगा, ठीक है, मैप से भी क्वेश्चन आते हैं। अब मैप से क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको 4 लोकेशन दे देगा, ठीक है। जैसे उसने दे दिया, मान लो एक दे दिया शहबाजगढ़ी दे दिया, ठीक है। शहबाजगढ़ी कहाँ पड़ा, कुछ ध्यान में है कहाँ पड़ा था शहबाजगढ़ी? एक शहबाजगढ़ी दे दिया, ठीक है। एक मान लो उसने दे दिया आपको निट्टूर दे दिया, मान लो, चलो निट्टूर दे दिया। एक उदय गोलन दे दिया, घबराओ मत, ये बताऊंगा सारे भाई साहब, ठीक है। ये 3 लोकेशन दे दी, एक लोकेशन कोई भी मान लो, ठीक है। मान लो आपको दे दिया बैराट दे दिया, ये लो, ठीक है। अब इसको कहेगा कि उत्तर से दक्षिण की ओर लगा दो, नॉर्थ टू साउथ, कि मैप में कौन सा सबसे ऊपर आएगा, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे और सबसे नीचे। इसको अरेंज करना होता है। ये क्वेश्चन तब तक नहीं हो पाते जब तक आपने मैप प्रैक्टिस ढंग से नहीं की। तो मैप प्रैक्टिस भी जरूरी है, वो भी करेंगे हम, ताकि हम इस तरह के क्वेश्चंस भी कर सकें, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर है, आगे बढ़े। अच्छा, अब एमसीक्यू के अंदर ना एक खेल और बड़ा होता है, वो होता है एलिमिनेशन, ठीक है। एलिमिनेशन का मतलब यह है कि क्वेश्चन किस तरीके का आएगा वो हम यहाँ करके देखेंगे। कुछ 4-5 क्वेश्चन करेंगे कि आपको 3-4 स्टेटमेंट दे देगा, ए बी सी डी, 4 स्टेटमेंट दे दी, नीचे उसके ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सी सही है या कौन सी गलत है, ऐसा पूछेगा। फिर पूछेगा कि पहली दूसरी सही है, दूसरी तीसरी सही है, पहली दूसरी तीसरी सही है, चारों सही हैं, इस तरीके से। तो आपको एलिमिनेशन करना पड़ेगा उसके अंदर। मान लो आपको चारों की चारों स्टेटमेंट में से 2 के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, 2 आपको पता है कि ये 2 पक्की तो क्या है, सही है आपके अकॉर्डिंग, तो आप देखोगे कि ये 2 ऑप्शन, मान लो पहला और दूसरा सही है, तो ये ऑप्शन नीचे वाले में कहाँ मैच कर रहा है। ये एलिमिनेशन टेक्निक से ही जो क्वेश्चन है ना वो सही हो पाएगा, ठीक है ना? तो ये चीज भी हम सीखेंगे थ्रू आउट हमारी जर्नी में। यहां तक कोई समस्या है तो आप बताइए। बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया?
ठीक है, तीन पोर्शन है हमारे पास पढ़ने के लिए, तीन किताबें, मतलब पहली, दूसरी और तीसरी। हिस्ट्री में भी, इंडियन हिस्ट्री है हमारे यहाँ पे, तो इंडियन हिस्ट्री तीन पोर्शन में डिवाइडेड है। एक आप जिसको कहते हो एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है, एक हिस्ट्री है हमारी मेडाइवल, और एक है हमारी मॉडर्न, यही है, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री की जो हमारी बुक है वो शुरू होती है हड़प्पन सिविलाइजेशन से, ठीक है ना। अगर यूजुअली एंशियंट हिस्ट्री देखे तो यहीं से पढ़ी जाती है, हड़प्पन सिविलाइजेशन से लेकर गुप्त पीरियड तक, ठीक है। मेडाइवल में मेनली आता है दिल्ली सल्तनत, मुगल पीरियड, विजयनगर एम्पायर, सूफी भक्ति। हमारे यहां पर दिल्ली सल्तनत नहीं है सिलेबस में, मुगल पीरियड भी नहीं है। मुगल पीरियड से रिलेटेड उनका रेवेन्यू सिस्टम हमारे दे रखा है, उसको हम पढ़ेंगे। सूफी भक्ति हमारे है, विजयनगर एम्पायर भी है, और एक चैप्टर है ट्रेवलॉग्स वाला, क्या होते हैं उस पर अभी बात कर लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न में ब्रिटिशर्स से आने से लेकर, जब भारत में अंग्रेज आए तब से लेकर भारत की आज़ादी से तक, या हमारा संविधान बनने तक, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। चार चैप्टर, उसके अंदर पांच चैप्टर हैं, तो इसको हम करेंगे। आज पहली बात किस पे करनी है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर, ठीक है। करें शुरू, कोई आपत्ति किसी को नहीं है, कहीं समझ में ना आए वहीं रोक देना, फिर उसी पे चर्चा करें, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले ना हिस्ट्री को पढ़ने के लिए जरूरत होती है सोर्सेज की, जिसे हिंदी में कहा जाता है स्रोत। भाई जो हिंदी मीडियम वाले भाई बैठे हैं वो किसी भी तरह का संकोच ना करें, अगर फ्लो फ्लो में मेरे आपको ऐसा लगे कि हिंदी के शब्दों का प्रयोग कम हो रहा है तो आप बता दें, मैं साथ साथ में बताता हुआ चलूंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सोर्सेस की, स्रोत। देखो हिस्ट्री पढ़ी कैसे जाए, ठीक है ना, दो तरह के होते हैं। एक होते हैं पुरातात्विक स्रोत, जिसे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कहते हैं, और एक होते हैं लिटरेरी सोर्सेस, जिसे साहित्यिक स्रोत कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले ठीक है, कोई दिक्कत? साहित्यिक स्रोत मतलब जिसमें किताबें आ जाती। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में क्या क्या आता है, सिक्के हो गए, ठीक है, कॉइन्स जिसको कहते हैं, मृद भांड यानी बर्तन, ठीक है, उसके अलावा ये सारे आर्टिफैक्ट्स का ही पार्ट है, ठीक है। मोहरे हो गई, सील्स, कोई बिल्डिंग है, ठीक है, ये सारे के सारे किसका पार्ट हो जाएंगे, खिलौने हैं मिट्टी के बने हुए, ये सारे के सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस का क्या है, पार्ट है। अगर हम देखें कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कब से लेकर कब तक रही, तो मेरे को कोई टाइम पीरियड बता सकता है क्या आप में से, कितनी पुरानी है? ठीक है, आपने कहा कि 2600 BCE से लेकर 1900 BCE, BCE का क्या मतलब होता है, बिफोर कॉमन एरा, शाबाश, ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड सी लिख के डॉट लिखा हुआ है, बीसी, उसने उसको शॉर्ट फॉर्म में कर दिया, उसको उसने पूरा बीसीई ना लिख के उसको अकेला सी लिख के रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसको क्यों ऐसा बीसीई क्यों लिखते हैं, बिफोर कॉमन एरा क्यों लिखते हैं, क्या मतलब है इसका? चलो आज से कितने हजार साल पहले की बात हो गई, 5000 साल पहले की बात हो गई, फिर 1900 साल पहले या 2600 साल पहले? एक बहुत सीधी सी बात, बहुत सीधी सी बात है, आज अगर साल कौन सा चल रहा है एक बात बताओ, 2024 चल रहा है,
क्या इस दुनिया को बने 2024 साल ही हुए क्या? बिलियंस ऑफ ईयर्स हो गए, ठीक है। टाइम कैलकुलेशन, ये जो कैलेंडर हम फॉलो करते हैं ना, इसको कहते हैं ग्रिगेरियन कैलेंडर। कौन सा? उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया कि उस साल को जीरो मान लिया जिस साल किसका जन्म हुआ, जीसस क्राइस्ट का, और उसके बाद जो साल चलते हैं 1, 2, 3, 4 और वहां से लेकर अब तक कितने हो चुके हैं 2024। कि अगर मैं आपसे पूछूं कि जीसस क्राइस्ट का जन्म कितने हजार साल पहले हुआ, तो 2024 साल पहले हुआ। क्या उसके पहले टाइम नहीं था क्या? टाइम तो एग्जिस्ट करता था ना, तो उससे पहले का जितना टाइम है उसे कहते हैं या तो बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, या बिफोर कॉमन एरा, इस नाम से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो 1, 2, 3, ठीक है, और इसके साथ क्या लगाते जाएंगे, बीसी। यहां तक बात भी क्लियर है। अब एक बहुत सीधी सी बात है, इसमें ईयर उल्टे चलेंगे, जीरो तक पहुंचना है आपको। ये वो मैथ्स में आपने पढ़ा होगा -3, -2, -1 वाला कंसेप्ट। -3 से बड़ा क्या होता है? -2, फिर उससे फिर 0, फिर 1, 2, 3, क्योंकि हमें टाइम में सीधा चलना है, तो ये वाले ईयर्स तो क्या चलेंगे, उल्टे चलेंगे। अच्छा, अब अगर मैं ये कहता हूं कि इस जीरो से इधर आ गए हम, यहां पर 2600 BCE, तो कितने साल पहले की बात हो गई? आज से कितने साल पहले? 4624, क्योंकि 2024 तो यहीं तक ही हो गए ना, और इसमें कितने साल और ऐड करने हैं, 2600 साल ऐड करने। बात समझ में आई? कोई समस्या? अच्छा चलो एक बात बताओ, कोई एक घटना जो बड़ी घटना है, क्या वो एक साल में घटित हो सकती है क्या? एक दिन में, एक साल में, या 10 साल में, 20 साल में? समय लगता है उसको, डिपेंड करता है कि घटना कितनी बड़ी है। जैसे इंसान ने एग्रीकल्चर करना सीखा, कृषि करना सीखा, तो एक साल में सीख गया होगा क्या? नहीं सीखा उसने, हजारों सालों का क्या लगा उसको, टाइम लगा। हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये जो बस्ती बनी, ये क्या एक दिन में बन गई हुई है? नहीं बनी। सबसे पहले हम इसी पे फोकस करेंगे कि सिविलाइजेशन होती क्या है, इस पर तो बात करें सबसे पहले। हड़प्पन सिविलाइजेशन पे तो बाद में जाएंगे। आप सबने हिस्ट्री में एक बात पढ़ी होगी, 11th में हिस्ट्री पढ़ी सबने, एक चैप्टर था पहला ह्यूमन एवोल्यूशन, पहला पहला चैप्टर ये 11th की हिस्ट्री का। इंसान किससे बना, कौन से जानवर से बना इंसान? हाँ, एप, ठीक है, बंदर भी कह देते, ठीक है, एप भी एक तरह का आप कह सकते हो, मंकी ही होता है, बंदर ही होता है। जब इंसान बना होगा तो क्या आज के जैसा ही इंसान था क्या? क्यों इंसान बनते उसने कहा था कि आज लिवाइस की जींस खरीदेंगे, एडिडास के जूते पहनेंगे, आईफोन हाथ में होना चाहिए, ऐसा था क्या? इंसान को आज जैसा इंसान बनने में बहुत टाइम लग गया। अच्छा, बंदर से वो इंसान बना, तो जब वो नया नया इंसान बना होगा तो उसमें और बंदर में कोई बहुत ज्यादा फर्क होगा क्या? बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि तब वो अभी नया नया बना है ना, फिर उसने सीखा बहुत सारी चीजें। और आज से 75,000 ईयर पहले, 75,000 साल पहले एक बड़ी घटना होती है पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में, जिसे कहा जाता है कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। क्या कहते हैं? कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। बहुत साधारण भाषा में कहूं, इंसान सोचना सीख गया। उससे पहले सोचना नहीं सीखा था, और यही चीज इंसान को बाकी जानवरों से अलग बनाती है, नहीं बनाती? आपने कभी देखा कि बाकी जानवर मीटिंग ले रहे हैं, उनके यहां पे कोई समस्या खड़ी हो गई? इंसान ही सोचता है।
या कभी तुमने देखा हो कि एक किताब कुत्ते ने लिखी है और बेस्ट सेलर हो गई? ऐसा हुआ क्या कभी? हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। इंसान सोचना सीख गया, और सोचना सीख गया प्लस एक चीज और सीखी, इमेजिनेशन, कल्पना करनी सीख गया। और उस कल्पना करनी सीखने से उसने कई चीजें बनाई। सबसे पहली उसने कल्पना की कि कोई ऐसी चीज है इस दुनिया को चलाती है जिसे हम सब क्या कहते हैं, भगवान कहते नहीं कहते। फिर उसने सोचा कि क्यों मैं ऐसी चीज बनाऊं कि जिससे मैं कुछ भी खरीद सकूं। बहुत लंबा टाइम लगा यहां तक सोचने में उसको, जिसको तुम सब क्या कहते हो, मनी। हमारी इमेजिनेशन का ही पार्ट है। नहीं तो एक बात बताओ, अगर हम उसकी वैल्यू ना माने कि इसकी कोई वैल्यू है, तो वास्तव में उसकी कोई वैल्यू है क्या? तुम मंदिर के सामने केला और पैसे दोनों चीज रख दो, बताओ क्या उठाएगा? क्यों? पैसे से तो और भी ज्यादा खरीद सकता है, क्योंकि उसके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और वो वैल्यू हमने कब समझी? जब हम क्या सीख गए, इमेजिनेशन करना सीख गए। अच्छा, इसी कल्पना करने की शक्ति ने, इसी समझने की शक्ति ने, इसी सोचने की शक्ति ने इंसान को यह ताकत दी कि उसके आसपास जो घटित हो रहा है वो उसको भी क्या कर सके, समझ सके। तो वो देखता कि पौधे कैसे उगते हैं, बारिश होती है, इन सब चीजों को उसने ऑब्जर्व करना शुरू किया। और लगभग लगभग इसके 65,000 साल बाद इंसान ने क्या करना शुरू किया, एग्रीकल्चर, खेती करना क्या किया, स्टार्ट किया। अब पहले इंसान का जीवन कैसा था, हंटिंग गैदरिंग, कितना एक्साइटिंग जीवन था। देखो सुबह उठे, ब्रेकफास्ट में क्या खाना है पता ही नहीं, जो मिल जाएगा। और क्या पता ब्रेकफास्ट खाएंगे या किसी का हो जाएंगे, ये भी तो नहीं पता था ना कि भाई साहब शिकार पर निकला है, ढूंढने गया था खरगोश, मिल गया क्या तो गया। 10,000 साल पहले उसने खेती करना सीखा। उससे पहले वो एक जगह से दूसरी जगह रहता था, जहां वो चला गया वही उसका क्या है, घर। लेकिन अब खेती करना शुरू कर दिया तो जो आपने फसल उगाई उसका ध्यान भी रखना पड़ेगा, उसको पानी भी देना पड़ेगा। तो उसको लगा कि एक जगह क्या बनाना पड़ेगा, एक घर बनाना पड़ेगा, परमानेंट सेटलमेंट बनानी पड़ेगी। अच्छा, खेती करने के लिए ऐसी जगह चाहिए जब पानी क्या हो, अवेलेबल हो। पानी बिना खेती तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उसने ऐसी जगहें चुनी जहां पर उसने सेटलमेंट्स बनाई, जहां पर उसने खुद रहना शुरू किया। अच्छा, अब वो एक जगह टिक कर रह रहा है तो वो क्या बना सकता है, वो परिवार भी बना सकता है। तो जो सबसे पहली सोशल यूनिट उसने बनाई वो कौन सी बनाई, पहले परिवार बनाया। परिवार से फिर वो बड़ा क्या बना, कुल बना। कुल से एक गांव बना, गांव से शहर, शहर से क्या बने, बड़ी एक सेटलमेंट बन गई, सिविलाइजेशन जिसको कहते हो। और जितनी पहली सिविलाइजेशन है सारी देखते हो नदियों के पास है, चाहे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो और चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इंडस रिवर और उसके आसपास के एरियाज में डेवलप हुई। खेती वहीं करेगा क्योंकि पानी वहीं क्या है, अवेलेबल है। तो यहां से सिविलाइजेशन की क्या होती है, शुरुआत होती है। अच्छा, सिविलाइजेशन की और क्या खासियत हो सकती है, बता सकते हो कोई? ये तो इंडस वैली की बता रहे हो, मैं तो साधारण भाषा में सिविलाइजेशन, सभ्यता क्या होती है, सभ्यता जो हिंदी मीडियम वाले बैठे हैं, क्या चीज है? तो सिर्फ ट्रेड क्या सिविलाइजेशन का पार्ट है? तो खतरनाक वाला उत्तर दो ना, ऐसे मतलब आश्चर्यचकित कर देने वाला, देखते ही
ऐसे लगे कि हाँ उत्तर आया कोई कम्युनिटी। हाँ एक ठीक हो सकती बात, नहीं ट्राइबल ऐसे नहीं। देखो एक सबसे बड़ी खासियत होती है सिविलाइजेशन, ठीक है, सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक और राजनीतिक इकाई होती है, नहीं होती, इंसानों की बस्ती में ही होती है, ये सभ्यता की खासियत है। ह्यूमन सोसाइटी में, मानव सभ्यता में एक इंसान दूसरे को मार दे, केस हो जाता है, नहीं हो जाता? आपने कभी देखा कि चार कुत्तों को पुलिस पकड़ कर ले गई क्योंकि उन्होंने दूसरे कुत्ते का क्या कर दिया, मर्डर, और भालू जज बन के बैठा है? देखा कभी ऐसा होता हुआ? कभी नहीं होगा। जंगल में कोई ऐसा कानून थोड़ी चलता है, वहां तो एब्सोल्यूट क्या होती है, फ्रीडम होती है, जो मर्जी करो। हालांकि इतनी फ्रीडम होती है भी कपड़े भी मत पहनो। कभी आपने देखा कि शेर भाई साहब शोरूम में जा रहा है और वो जैकेट खरीद के लाया, देखा कभी आपने? सोशल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, आपको नियमों में बांध कर रखती है, ये इसकी खासियत होती है। इंसान एक साथ मिलकर रह सकते हैं इसके अंदर, रहते हैं नहीं रहते, आज भी रह रहे हैं। तो इस एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन ने कितना बड़ा इंसान की जिंदगी में रोल प्ले किया है कि इंसान को एक साथ मिलकर रहना क्या कर दिया, सिखा दिया। यहां तक कोई समस्या तो बताओ, हिंदी मीडियम वालों, ऊपर से गई या ठीक ठाक समझ में आ गई? देख भाई यहां कोई तरम खा नहीं बैठा, ठीक है ना? अगर इनको ही आता होता तो फिर यहां थोड़ी आते, है ना? डरना नहीं है, बिना डरे हुए पूछ लेना। चले टॉपिक पे चले आप, ठीक है। चलिए एक यहां पर ना एक आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी। अब हमने स्रोत की बात की, मुझे ये बता दो कि हड़प्पा सभ्यता का ऐसा कौन सा स्रोत है जिससे सबसे ज्यादा जानकारी हमें मिलती है, बता दो। सील्स यानी मोहरे, ठीक है, आपकी एनसीईआरटी के पहले पेज पर ही फोटो बनाकर दे रखी है, दे रखी है नहीं दे रखी है ना? उसके ऊपर एक पशु बना हुआ है, एनिमल मोटिफ है, और कुछ ना कुछ लिखा भी हुआ है, देखने को मिलता है हमें ऐसा, ठीक है। उस लिखे हुए को हम पढ़ नहीं पाए, ठीक है, और एक बहुत सीधी सी बात है, जब तक लिखित में इतिहास हमारे पास नहीं होता ना, तब तक उस इतिहास को समझना उतना ही क्या होता है, मुश्किल होता है। उसके पीछे कारण है क्योंकि आप सारा का सारा काम किस पे चल रहा है, आइडिया पे, अंदाजे पर ही चल रहा है। आपको ऐसा लगता है कि ये लोग ऐसा करते, ये लोग ऐसे रहते, आपको कोई आइडिया नहीं है कि वास्तव में ऐसा होता भी था या नहीं था। अच्छा एक प्रश्न और पूछूं आपसे, क्यों पढ़े हड़प्पन सिविलाइजेशन को, इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्यों पढ़े? अर्लीस्ट इसलिए पढ़ ले, इंडिया की इसलिए पढ़ ले, ये तो कोई उत्तर नहीं हुआ। ये बड़ा खतरनाक जवाब है। ऐसा हमारे सर कहा करते थे, कोई भी टॉपिक को लेकर वो पूछते कि ये क्यों पढ़ना है, तो हम कहते कि सर ये यूं इंपॉर्टेंट है, ये यूं इंपॉर्टेंट है। कितना आपके सिलेबस का क्या है पार्ट है, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। देखो सिलेबस का पार्ट तो है ही, सीधी सी बात है। दूसरा कारण पढ़ने का ये भी है, अगर हम इनको जब इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं ना, तो आज से 4,500 साल पहले वो ये लोग वो कर गए जो आज तक हमसे नहीं हुआ। सिटी प्लानिंग पढ़ी होगी ना, इसकी खतरनाक सिटी प्लानिंग है कि शहर नियोजन की जो व्यवस्था है कि पहले पूरा का पूरा नक्शा बनाकर फिर शहर तैयार करना, ये सारी चीजें इनको अलग बनाती है। महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी होना, ये सारी चीजें बताती हैं कि सिविलाइजेशन की कंडीशन कितनी अच्छी थी।
अच्छा, उससे पहले ना हम थोड़ा सा एरिया समझ लें कि किस एरिया में बात करेंगे हम, एरिया समझ लें, क्योंकि किसी भी एरिया की हिस्ट्री को समझने से पहले ये जरूरी होता है कि हम उसकी ज्योग्राफी समझ लें। देखो यहाँ मैं मैप बनाऊंगा इंडिया का, तो हंसना मत कोई भी, ठीक है? सर भी बनाए गए थे? अच्छा तुम नहीं ऐसे, अच्छे बच्चे हो। देखो अगर गंदा बन जाए तो मत हंसना, अगर अच्छा बन जाए तो बता देना, मैं उतना ही बढ़ाऊंगा जितने में तुम्हें हंसी कम आए। देखो मैंने प्रयास पूरा किया अपनी तरफ से। बाकी तुम लोग समझते हो, कोई बात नहीं, अपने वाला ठीक है, अपने वाले से काम चल जाएगा, ठीक है। देखो अब हमारी जो सिविलाइजेशन है ना, उसके अलग अलग नाम है, ठीक है? जो सबसे पहला नाम चलता है ना, वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या है? इंडस वैली, हिंदी में कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। हिंदी में लिख नहीं रहा क्योंकि गलती ना हो जाए, मैं इंग्लिश मीडियम का मास्टर हूँ, ऐसे ही चपेट में आ जाऊँ कहीं फ्री में। वो क्या, इसको कुछ आता ही नहीं, ये तो मात्रा की गलती करता है, तो रिस्क कम लेना चाहिए इंसान को जीवन में। इंडस वैली सिविलाइजेशन। दूसरा नाम है हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्या नाम है? हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब ये दो नाम क्यों है इसकी भी चर्चा करेंगे, और कैसे कैसे क्या क्या स्थितियां हैं उस पर सब पे बात कर लेंगे। देखो अगर सबसे पहले अगर आप एक चीज देखोगे ना, इसने मैप मिटा दिया हमारा, तो सबसे पहले जो एरिया, जो सबसे पहले साइट्स ढूंढेगी, जो सबसे पहले जगहें ढूंढी गई, वो हमें सिंधु और उसकी नदियों के आसपास ही देखने को मिलती है। तो आप सब ज्योग्राफी के स्टूडेंट रहे हो है ना, तो मेरे को ये बता दो कि सिंधु नदी निकलती कहां से है? देख भाई जम्मू कश्मीर से निकलती है। शाबाश, तेरे को एक भारत रत्न जरूर दिलवाएंगे। ये है कैलाश, कैलाश माउंटेन रेंज है कैलाश, ठीक है? वहां पे मानसरोवर एक झील है, मानसरोवर के पास में से निकलती है एक ग्लेशियर है बोखरचू, वहां से निकलती है। 11वीं क्लास की किताब में दे रखा है, कभी समय मिले जिंदगी में तो दोबारा उसे खोलकर एक बारी जरूर देख लेना। तो ये कौन सी रिवर है? इंडस या सिंधु, ठीक है? फिर इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, कौन बताएगा? सहायक नदियां ट्रिब्यूटरीज लाइन से बताया भाई, नॉर्थ टू साउथ, ऐसे नहीं ज्योग्राफी का स्टूडेंट सीधा ऐसे तुक्का मार दिया रावी। सबसे पहले आती है इसके अंदर चेनाब, फिर झेलम, फिर आती है रावी, फिर आती है ब्यास, और फिर आती है सतलुज, ठीक है? और ये सारी की सारी किस में जाके मिलती हैं? चेनाब में, ठीक है? और चेनाब किस में जाके मिल जाती है? इंडस रिवर में। उस टाइम पीरियड में एक नदी ऐसी और है जो ऐसा माना जाता है कि इसी की सहायक नदी थी, हमारे राजस्थान में फ्लो करती थी, वो थी सरस्वती। कौन सी थी? सरस्वती। क्लियर है यहां तक? आज सरस्वती नदी लुप्त हो गई है, समाप्त हो गई है यू मान लो। तो पहले जितने भी जगहें ढूंढी गई वो सारी किस एरिया में मिल रही थी? इन्हीं एरियाज में मिल रही थी, बस, ठीक है ना? तो इसका नाम क्या दे दिया गया? सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है? अगर इसमें तुम काउंट करोगे तो 7 नदियां हो गई, 5 तो ये वाली, 6ठी ये इंडस, और 7वीं कौन सी? सरस्वती। तो इसको कहते थे सप्त सिंधु। इस एरिया को क्या कहते थे? सप्त
सिंधु, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद हुआ क्या कि बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जो इसी सभ्यता से संबंधित हैं, लेकिन वो इस सप्त सिंधु या इस इंडस वैली या इस सिंधु घाटी से बाहर भी जाकर हमें मिलती हैं। जैसे यूपी में भी कुछ साइट्स मिली हैं। यूपी में एक साइट है आलमगीरपुर, ठीक है। महाराष्ट्र में भी मिली है दैमाबाद, गुजरात में बहुत सारी मिली। तो फिर इसका नाम बदलकर कर दिया गया क्या, हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा ही नाम क्यों दिया गया, क्योंकि जो सबसे पहला शहर ढूंढा गया था वो कौन सा था, हड़प्पा। ढूंढा किसने, दयाराम साहनी ने। कब ढूंढा, 1921, ठीक है जी। यहां तक बात समझ में आ गई, हम ज्योग्राफी समझ गए। बहुत सारी साइट्स पाकिस्तान में भी, क्योंकि इंडस वैली यहां भी है, ठीक है। ये सबसे सदर्न मोस्ट साइट है। सबसे नीचे कौन सी मिलती है, महाराष्ट्र दैमाबाद में। ये सबसे कौन सी है, ईस्टर्न मोस्ट, यानी सबसे ज्यादा क्या है, पूर्व में है, ठीक है। सबसे ज्यादा उत्तर में कौन सी मिलती है, सबसे ऊपर कौन सी है, मांडा। कौन सी मिलती है, मांडा। और इधर सुत कांगेडोर, कौन सी है, कहाँ है। और बलूचिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान में, ठीक है। मेन मेन साइट्स भी देखेंगे इसकी। अब एक टॉपिक पर और बात करते, बोर तो नहीं हो रहे ना, बोर तो नहीं हो रहे, चलो फिर ठीक है। अब यहां पर हमने बात की सील की, मोहर की, उस पर और थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करते हैं। किसकी बनी होती थी मोहरे, नहीं चर्ट की नहीं भाई साहब, हिंदी वाले बताओ, दो है ना हिंदी मीडियम वाले, एक ही हो क्या, अच्छा आप नहीं हो क्या। हाँ भाई साहब, मैं इसको समझ रहा हूँ यार, इतनी देर से मैं इसको देख के पूरा जोर लगा के हिंदी का शब्द बोलता हूँ, किसको इसको समझ में आना जरूरी है। हाँ भाई, क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, सेलखड़ी बोलते हैं, सेलखड़ी से बनती है, ठीक है ना। सेलखड़ी या स्टीयटाइट एक तरीके का सॉफ्ट स्टोन होता है, सॉफ्ट पत्थर है। आप उसको कोई भी शेप दे सकते हो, बहुत इजीली क्या हो जाता है, वो मुड़ जाता है, मोल्ड हो जाता है किसी भी तरह। अब मुझे बता दो कि सील का यूज क्या था, मोहरों का इस्तेमाल किस चीज के लिए होता था। प्राइवेसी के लिए, कैसे। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। एक तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, आपको किसी से कोई मैसेज भेजना है या कुछ ऐसा करना है। मैसेज क्या होता था कि आपने कोई पार्सल भेजा, जैसे इन्होंने बताया कि आप सामान किसी को भेज रहे हो दूसरे देश में या किसी दूसरी जगह पर, तो आपने ऊपर क्या लगा दी, मोहर, उसको पैक करके। अगर वो सामान वहां पहुंचा और मोहर टूटी हुई है, तो इसका मतलब रास्ते में सामान किसी ने निकाल लिया। और अगर वो सही सलामत है, इसका मतलब आपका प्रोडक्ट क्या पहुंचा है, सही सलामत। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इसके ऊपर एड्रेस भी लिख देते थे जिसको पहुंचानी है, या कोई सीक्रेट मैसेज हो सकता है, या उस व्यक्ति का नाम लिखा हो सकता है जिसको कोई चीज पहुंचाने के लिए दी गई है। तो ये सब इसका सील का यूज होता था। अच्छा, अब मुझे ये बता दो कि हमने मोहरों की बात कर ली, एक ना वर्ड यूज हुआ है कल्चर, हड़प्पन कल्चर, क्या मतलब होता है इसका। यहां क्या मतलब है, यहां हड़प्पन कल्चर, मान लो कोई ऑब्जेक्ट मिला, ठीक है। हम पीछे चलते हैं थोड़ा सा, हमारे मैप पे वापस आते हैं, ठीक है।
मान लो महाराष्ट्र दैमाबाद में साइट मिली, ये तो इंडस वैली का पार्ट नहीं है ना, ये तो बहुत नीचे है। यहां से जो प्रोडक्ट मिले वो कैसे पता चला कि वो इसी पीरियड के हैं और इससे रिलेटेड है? कार्बन डेटिंग। लेकिन क्या उसके पैरेलल भी तो कोई और भी तो सिविलाइजेशन हो सकती है? फिर मटेरियल का सेम यूज किया गया, एक जैसे प्रोडक्ट मिलना, वेट एक जैसे, जो भार होते जो पत्थर जिनका यूज किया जाता तोलने के लिए उनका एक जैसा मिलना, ये दर्शाता है कि ये चीजें एक ही कल्चर का क्या है, पार्ट है। कौन से कल्चर का पार्ट है? हड़प्पन कल्चर का पार्ट। ठीक है जी, आगे बढ़े। चलिए अब जैसे हमने बात की थी कि कोई भी बड़ी घटना है उसको होने में क्या लगता है, टाइम लगता है। तो इतनी बड़ी सिविलाइजेशन बनी, इसको बनने में क्या लगा होगा, टाइम लगा होगा। 2600 BC के अंदर ऐसे अचानक तो नहीं कि एकदम से जमीन में से फाड़ कर निकली कि ये लो हड़प्पन सिविलाइजेशन पकड़ो तुम, एकदम से तो नहीं बनी होगी। इसको बिल्ट होने में भी क्या लगा होगा, टाइम। तो जो इससे पहले का टाइम पीरियड है उसे कहा जाता है प्री हड़प्पन पीरियड। क्या कहते हैं हिंदी वालों के लिए? प्राक हड़प्पा सभ्यता। क्या कहते हैं? प्राक हड़प्पा सभ्यता। इसका जो टाइम पीरियड है वो 3200 BCE से लेकर 2600 BCE तक है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। 2600 BCE के बाद हमें देखने को मिलता है कि फिर जो इस पीरियड में एंटर करते हैं उसे कहते हैं मैच्योर हड़प्पन पीरियड या हड़प्पा सभ्यता, सीधा भी उसको कह सकते हो। मजे की बात यह है कि जो मैच्योर हड़प्पन या हड़प्पन सिविलाइजेशन है या हड़प्पा सभ्यता है उसके स्थल वहीं विकसित हुए जहां पर कौन सी सभ्यता थी पहले, प्री हड़प्पन कल्चर था। ठीक है, अब देखते हैं कि लोग खाते पीते क्या थे। कोई आइडिया है किसी को, आपने पढ़ा हुआ है क्या खाते पीते? जब ऐसा सवाल हो ना तो पहले ही ब्रॉड कैटेगरीज में बांट दो उसको, दो कि वेजिटेरियन भी थे और कि मांस भी खाते थे और शाकाहारी भी थे। पहले तो दो कैटेगरी में, अब आसान हो गया ना चीजें। तो पहले अगर हम बताएंगे कि जी वेज में क्या क्या खाते थे और फिर हम बताएंगे कि नॉन वेज में क्या क्या खाते थे, तो वेजिटेरियन में क्या क्या खाते थे सबसे पहले? राइस भी खाते थे। हिंदी में, ठीक है बिल्कुल, हिंदी में बात करें तो गेहूं, बाजरा, चना, ठीक है, तिल, ज्वार, चावल, ये सारी चीजों के प्रमाण हमें मिलते हैं, इन सब के एविडेंस हमें मिले हैं वहां से। ठीक है, नॉन वेज में देखें तो क्या क्या खाते थे? ऐसे नहीं, तुक्का नहीं कि जो हम खाते हैं वही बता दिए कि ये लोग यही सब खाते थे। हाँ, एक जो जंगली सुअर होता है जिसको बोर कहते हैं, बोर कहते हैं, ठीक है ना, घड़ियाल तो देखे होंगे सबने, नहीं घड़ियाल ही लिखा हुआ इंग्लिश में भी, मगरमच्छ जैसा ही होता है लेकिन मगरमच्छ नहीं होता, थोड़ा सा फेस का क्या होता है डिफरेंस होता है। किसी को देखने हो तो ये हमारे यहाँ जू है ना, वहां चले जाना अल्बर्ट हॉल म्यूजियम के पास और वहां घड़ियाल ही घड़ियाल मिलेंगे आपको। हाँ, लेकिन अब जो जू है ना वहां पे, वहां घड़ियाल खूब है, खूब देखने को मिल जाएंगे तुम्हें। ठीक है ना, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इनकी हड्डियां मिल जाती हैं हमें। हिस्टोरियन इस बात को लेकर परेशान है कि ये लोग खुद शिकार पर जाते थे या कोई एक ऐसी कम्युनिटी थी जो शिकार करके लाती थी और इन सब चीजों को बाजार में क्या कर देती थी। ठीक है, अनाज के हमें प्रमाण मिलते हैं, जले हुए अनाज के प्रमाण हमें मिलते हैं। ठीक है, नहीं तो कुछ ऐसे आर्कियोबोटनिस्ट कहते हैं जिन्हें, वो उसकी स्टडी करते हैं, रिमेन्स को पढ़कर वो बता देते हैं कि ये इस चीज का रहा होगा, इस चीज का रिमेन रहा होगा।
ये सब चीज तो ठीक है। अगला जो इसमें हमारा टॉपिक है वो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। अब ये सब चीजें खाते थे, वीट है, बैरले है, मिलेट्स है, तो उगाते भी होंगे, बिना उगाए तो काम चलता नहीं होगा। तो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी क्या क्या थी इनके पास? क्या हमारे पास कोई डायरेक्ट एविडेंस है क्या ये प्रूव करने का कि एग्रीकल्चर करते थे? क्या है बताओ? बिल्कुल बिल्कुल मिले, मतलब पढ़ने वाले लोग हैं इस क्लास में ठीक ठाक, ऐसी नहीं है तो सारे मेरे जैसे नहीं है, मेरे से ठीक भी हैं। एक या पहले वाला, पहला चैप्टर यूजली इजी होता है। देखो इसमें सबसे पहले अगर बात करें तो क्या क्या मिला है हमें, ठीक है? अच्छा पहले अगर बात करें सबसे पहले तो हमें एक चीज देखने को मिलती है कि खतरनाक करते हैं यार काम। चलिए जी आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी की चर्चा कल करेंगे। आज कोई समस्या आई है तो आपको बता दो, नहीं तो सर को बता देना फिर।